जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज फिर से तारीख है हमारे सामने, एक बार हार चुके हैं हम 29 तारीख के सामने, 29 सितंबर 2023। एक बार फिर से नया दिन नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा यहां से देर हुआ है 5 मिनट का, उम्मीद है कि आप सभी बैठे होंगे और अपना रिवीजन कर रहे होंगे। किसी को ऐसा नहीं करना है कि सर तो आज थोड़ा लेट है, कोई नहीं अब क्लास बंद करते हैं, हम फिर से सो जाते हैं, है ना। तो हमेशा जब भी थोड़ी सी भी क्लास लेट होती है, या आपको मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा पहले आपको आ जाना है और अपना रिवीजन स्टार्ट करना है जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा था। 29 सितंबर की तारीख है, लगभग आखिरी में चल रहा है ये महीना, है ना। यहां पर हम करंट अफेयर की बात करते हैं, मतलब जो भी हमारे आसपास चीजें हुई हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर बातें करते हैं, ठीक है। होमवर्क का सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा शहर वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यहां पर यह सवाल आपसे पूछा गया था। विच सिटी विल होस्ट द ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस रिसेंटली, बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। बहुत सारे बच्चों ने बहुत बहुत बढ़िया उत्तर लिखे हैं, एकदम डिटेल में उत्तर लिखे हैं, शानदार तरीके से उत्तर लिखे हैं। आप देख सकते हैं ओनली फॉर टेबल ने भी जितने ऑप्शन थे उनको भी डिटेल में लिखा है, इसके अलावा यहां पर जागृति ने, और इसके अलावा भीम प्रकाश ने, इसके अलावा यहां पर अनामिका जी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर लिखे हैं। आपको भी इसी तरह शानदार तरीके से जितनी डिटेल में हो सकता है उत्तर लिखने हैं, ठीक है। आइए अब यहां पर देख लीजिए, उत्तर भी लिखा हुआ है। उत्तर में क्या लिखा हुआ है मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। जो वैश्विक हल्दी सम्मेलन है 27 सितंबर को मुंबई में हुआ है, और मुंबई के मुख्यमंत्री मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो कि 9 अगस्त तक होने वाला है। कुल मिलाकर ऐसी बात हो जाती है, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, राइट। प्रभात, नीलू, हर्षित, अनिता, देविका, अभिनंदन, भीम प्रकाश, परमजीत, अजीत, दीपक, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट, होमवर्क से हमारी क्लास की शुरुआत होती है, होमवर्क पर ही हम आखिरी करते हैं, अंतिम करते हैं। बीच में कई सारे फैक्ट हम देखते हैं जो कि आज नहीं होने वाले हैं। क्यों नहीं होने वाले हैं? क्योंकि कल है सैटरडे, कल है शनिवार, और कल होता है आपका पूरा रिवीजन, है ना। आपने कितने अच्छे से पढ़ा है पूरे हफ्ते को, एक बार फिर से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ये होगा आपका एक टेस्ट, ठीक है, कि किसने कितने अच्छे से पढ़ा है। जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें भूल गई हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, पूछ रहे हैं नमन जी। मैं तो बहुत बढ़िया हूं। आज क्या हुआ, जैसे ही मेट्रो के सामने पहुंचा मैं, मेट्रो के हो गए दरवाजे बंद। अब वेटिंग लिस्ट का टाइम इतना ज्यादा आया, वेटिंग का टाइम, कि मुझे आने में यहां पर हो गई थोड़ी सी देर। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। देखिए, जैसे आपको जब कभी डर लगता है तो आपको पता है कि हमेशा हमारे घर वाले बोलते हैं कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, उसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवताओं को आप याद किया करते हैं, है ना, अलग अलग महापुरुषों को आप याद किया करते हैं। उसी प्रकार से जब किसान की बात आती है, किसान को जब समस्या हुई है यहां पर, तो एक व्यक्ति को हमेशा याद किया गया है, इनका नाम हो जाता है M.S. स्वामीनाथन। आपको याद है हमारा देश एक समय इस स्थिति में था कि हम दूसरे देशों से खाना मंगाया करते थे, सामान्य सी जो भोजन वाली आवश्यकता है वो भी हम दूसरों से मांग कर पूरी किया करते थे, और एक समय ऐसा भी आया जब इतने ज्यादा किसान परेशान हो गए, हताश हो गए, कि आत्महत्याओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और इन दोनों स्थितियों पर एक ही व्यक्ति को याद किया गया और इनका नाम हो जाता है M.S. स्वामीनाथन, और ये अब हमारे बीच नहीं रहे। इनको विनम्र श्रद्धांजलि, 98 वर्ष की उम्र पर इनका निधन हुआ है। लेकिन अब हमें जानना है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या खास किया था कि आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं, है ना। हमारे बीच तो हजारों लोग रोज दुनिया छोड़कर जाते हैं, है ना, लेकिन इन्हीं का नाम यहां पर क्यों आया है शानदार रूप से, आइए इनके बारे में देखते हैं। जितने भी MCQ बन सकते हैं इनसे रिलेटेड तब हम देखने वाले हैं, जो आ चुके हैं। हमारे पढ़ने का तरीका कैसा होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, मतलब जो आ चुका है वही हम पढ़ते हैं, तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये आपके लिए क्लास, ठीक है। M.S. स्वामीनाथन वॉस, M.S. स्वामीनाथन थे, आया हुआ सवाल है।
अब किसी भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एग्जाम का नाम नहीं देखना है कि आप तो इस एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, तो सर मैं इस सवाल को क्यों पढ़ूं। अरे भाई, किसी भी एग्जाम में आया है तो पैटर्न आपको फॉलो करना है, वही आपके एग्जाम में भी आ सकता है। एक जर्नलिस्ट थे, मतलब एक पत्रकार थे, या एक कृषि वैज्ञानिक थे, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एक पारिस्थितिकी विज्ञानी थे, एक इकोलॉजिस्ट थे, या एक पक्षी विज्ञानी थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, जल्दी से बताइए। महाकाल ने बोला है बी होगा, रिद्धु ने बोला है बी होगा, तनिषा ने बोला है बी होगा, अभिनंदन ने बोला है बी होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप जब भी उत्तर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर पहले लिखिए, 1 2 3 4 5 किसका उत्तर आप दे रहे हैं, फिर आप लिखिए। जैसे कई बच्चों ने इसका उत्तर बी बोला है, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बी ही होने वाला है। राइट, इसका सही उत्तर बी ही होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, बी ही होने वाला है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। आइए सर अगला सवाल बताइए, आगे कैसे पूछा जाएगा। Who is called the father of green revolution in India? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता था। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति मैंने जब बोला अभी अभी कि पहले हम खाना किसी और देश से मंगाया करते थे, इंपोर्ट किया करते थे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक भोजन को, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि हमने इस पर एक क्रांति ले आई, एक रिवोल्यूशन ले आया, हरित क्रांति, जो कि मुख्य रूप से धान और गेहूं की फसल पर आधारित था, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र पर था 1966 के आसपास। आपको एक नारा भी याद होगा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसने दिया था नारा। और यहां पर हमने देखा है कि इन्हीं व्यक्ति के द्वारा यहां पर शुरू किया गया था ये, जल्दी से बताइए। तीन का ये तो दो नंबर क्वेश्चन है, ये एक नंबर क्वेश्चन था, दूसरे का यहां पर आपको बताना है उत्तर क्या होने वाला है। सिमरन ने बोला है डी होगा, कविता ने बोला है डी होगा, छोटू ने बोला है डी होगा, अभिनंदन ने भी बोला है डी होगा। ओके, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हम कर देते हैं। यहां पर से आपको एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम भी सीखने के लिए मिल गया है ना, मनकोंबू स्तंभ शिवन स्वामीनाथन। आइए नेक्स्ट सवाल, ये भी आया हुआ सवाल है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक थे एम एस स्वामीनाथन जी, तो पूरे विश्व में भी तो कोई होगा। नॉर्मन बोरलॉग थे, एम एस स्वामीनाथन जी थे, राजकृष्ण थे, या आर के वी राव होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, अखिलेश भी आ चुके हैं, बोल रहे हैं राधे राधे जय श्री कृष्ण गुरु जी, जय श्री कृष्ण अखिलेश जी। तबीयत ठीक, सबसे जरूरी है आपकी हेल्थ, हेल्थ ठीक रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। इसके अलावा दुनिया में जो भी हो रहा है सब आपके लिए द्वितीय आ जाता है, सब आपके लिए सेकेंडरी हो जाता है। राइट, पंकज का उत्तर बहुत बढ़िया, नॉर्मन बोरलॉग। रिद्धु ने भी उत्तर दिया है थ्री का बी होने वाला है, थ्री का बी मतलब स्वामीनाथन जी नहीं होंगे, थ्री का ए। सुभाष ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये भी आया हुआ सवाल है। दुग्ध उत्पादन, इसका संबंध तो व्हाइट रेवोल्यूशन से हो जाएगा, श्वेत क्रांति से हो जाएगा, है ना, वर्गीस कुरियन जिसके हो जाते हैं, याद तो होगा सभी को। जूट उत्पादन, कॉफी प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन मतलब गेहूं उत्पादन, किससे होगा इसका संबंध। छाया ने उत्तर लिखा है वीट होगा, सपना ने उत्तर लिखा है वीट होगा, बहुत बढ़िया। अखिलेश बोल रहे हैं यस सर हम एकदम मस्त हैं, नीलू भी बोल रही है राधे राधे सर, राधे राधे नीलू, इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, गेहूं उत्पादन है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मतलब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, या सिंचाई मतलब इरिगेशन, या इनमें से सभी, क्या होगा इसका सही उत्तर। पंकज ने बोला है ऑल ऑफ दीज होगा, अच्छा। सिमरन बोल रही है ऑल ऑफ दीज, अच्छा ठीक है। पुष्पा, अरे भाई साहब पुष्पा भाव भी है हमारे साथ, रॉकी भाव भी है हमारे साथ, क्या बात है, आज तो पुष्पा रॉकी दोनों झुकेगा नहीं, है ना,
अभिनंदन बोल रहे हैं ऑल होगा। अच्छा ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं भी मान लेता हूं ऑल होगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब कीटनाशक उर्वरक, अच्छी अच्छे फसल देने वाले बीज और सिंचाई, इन सभी से संबंधित हो जाएगा यहां पर ये। हरित क्रांति कहां तक सीमित थी, टू व्हाट एक्सटेंट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन लिमिटेड, ये भी पूछा हुआ सवाल है किसी भी एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बंगाल में चावल, महाराष्ट्र में कपास, पंजाब हरियाणा में गेहूं, या आंध्र प्रदेश में तिलहन, उत्तर क्या होगा? ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्ट करते ही आपको ये चीजें बताई हैं, ठीक। नदीम बोल रहे हैं पांच का डी होने वाला है, ये तो छह नंबर क्वेश्चन है तो छह का बताइए अब। हर्षित बोल रहे हैं पांच का बी होगा। राहुल बोल रहे हैं चार का डी होगा। राहुल आप थोड़ा पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिथिलेश का उत्तर आ चुका है सिक्स का सी बोल रहे हैं। पंकज का भी उत्तर आ चुका है सिक्स का सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार। इसका आंसर क्या है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा मतलब दोनों की राजधानी क्या है? दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है ना, तो चंडीगढ़ याद कर लो डायरेक्ट, बस एक बार में उत्तर खत्म। चंडीगढ़ में गेहूं। आओ नेक्स्ट, हरित क्रांति कब से शुरू की गई, व्हेन डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट इन इंडिया, यह भी आया हुआ सवाल है। 1990 से स्टार्ट की गई है, 1947, 1983, 1966, इसका उत्तर क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया, छाया ने भी लिखा है पंजाब हरियाणा और यहां पर फसल भी उगा दी है इमोजी के माध्यम से, जबरदस्त छाया। एजुकेशन फॉर यू राइट, शानदार। आपको पीडीएफ कहां मिल जाएगी? पीडीएफ के लिए आपको कांटेक्ट करना है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि पीडीएफ कहां मिलेगी, जिस चैनल पर अभी आप क्लास देख रहे हैं उसी का नाम आपको लिख देना है, कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में लिंक भी पिन मिल जाएगी टेलीग्राम की, ठीक। फॉक डांस का वीडियो आपका कमेंट ऊपर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कमेंट करिएगा तो हम पढ़ लेंगे आपने क्या बोला है सर। फोक डांस के बारे में आपने कुछ लिखा था, 1966 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, 1966। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, यहां पर आपको खाली स्थान में बताना है क्या आएगा, ने अक्टूबर 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की है, आपको बताना है। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन हेडेड बाय द, आपको बताना है यहां पर क्या होने वाला है उस रिपोर्ट का नाम जो कि पेश की गई थी किसकी अध्यक्षता में, एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, आपको बताना है कि क्या रिपोर्ट पेश की गई थी, व्हाट इज द नेम ऑफ रिपोर्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ रिपोर्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ रिपोर्ट, किस चीज से संबंधित थी, ये आपको बताना है यहां पर जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या होने वाला है। क्या राष्ट्रीय वन आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी, राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी, राष्ट्रीय यहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी, या राष्ट्रीय पंचायती राज आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी, हेडेड बाय एम एस स्वामीनाथन सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट इन अक्टूबर 2006, किसकी रिपोर्ट पेश की गई थी, आपको यह बताना है यहां पर, ठीक। तो उत्तर काफी आसान है, मोटिवेशनल वीडियोस लिख रहे हैं, आठ का बी होगा, अच्छा ठीक है मान लेते हैं। अभिनंदन भी लिख रहे हैं फॉर्मर्स, बहुत बढ़िया। छाया, भीम प्रकाश, सिमरन, पंकज, सिद्धार्थ, हर्षित, रिद्धु, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल फार्मर्स कमीशन। इसके बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं क्योंकि अभी अभी जो मैंने बोला कि जब आत्महत्याओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी भारत में, तब भी याद किया गया एम एस स्वामीनाथन जी को कि आप कारण का पता लगाइए और इसका सॉल्यूशन हमको दीजिए कि हमको क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो। और फिर इन्होंने 2004 में यहां पर बनाया गया था किसान आयोग और 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ठीक। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए। अंडर हूज चेयरमैनशिप द नेशनल फार्मर्स कमीशन हैड सजेस्टेड दैट द
मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना आपका उत्पादन में खर्च लगा है उसका कम से कम 50% तो आपको एमएसपी के रूप में मिले, है ना, नहीं तो आप इतना ज्यादा नुकसान पे जाओगे कि आप खेती ही छोड़ दोगे, जैसा कि हो रहा था, इतना ज्यादा कर्ज में चला गया था हमारे किसान भाई बहन कि वो कर्ज से निकलने की उनको कोई आशा नहीं दिख रही थी और उनको बस एक ही रास्ता दिख रहा था, वो था खुदकुशी। और इसी स्थिति से यहां पर निकालने के लिए एक प्रकार से आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति, आप बोल सकते हैं महान व्यक्तित्व बोल सकते हैं, एम एस स्वामीनाथन जी ने ऐसा प्रयास किया था। 980 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन, किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स एस्टैब्लिश्ड, इलाहाबाद का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2001, 4, 6, 7 बताइए जल्दी से, मैंने अभी अभी बताया है। फोक डांस का सेपरेट वीडियो मिलेगा, बिल्कुल क्लासिकल डांस का मिल चुका है आपको साहिल जी, फोक डांस का भी सेपरेट वीडियो जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। कल आपके सामने एक और वीडियो पेश की गई थी जिसमें पूरे सेंसस के पूरा यहां पर थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी मैंने कराया था, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ही रहे थे, उसके अलावा एमसीक्यूज आपको खुद से भी करने पड़ेंगे शानदार, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेंसस से जो कि आपके हर एग्जाम में आते ही आते हैं, क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक। इसका उत्तर क्या है, 2004, सभी बच्चे लिख रहे हैं, सपना मिथिलेश, प्रियंका, निशी, छोटू, राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दो उप महानिदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द टू डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। देखिए MS स्वामीनाथन जी की बात हो रही है, सिर्फ अपने परिवार में वो ही स्कॉलर नहीं थे, उनकी बेटी भी शानदार नाम रोशन कर रही हैं पूरे देश का, WHO में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं वहां पर डिप्टी डायरेक्टर के रूप में, बहुत ही शानदार, बहुत ही ऊंची पोस्ट पर गई हुई हैं, पूरे विश्व में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तनु बोल रही है मेरा गलत हो गया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो अभी हम सीख रहे हैं और ये तो आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं, तो ऐसी चीजें हम सीख रहे हैं जहां पर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो हमको इस चीज का दुख नहीं मनाना चाहिए कि गलत हो गया, हमको इस चीज की खुशी मनानी चाहिए कि हाँ हमने कुछ नया सीखा है जो हमसे नहीं बनता था अब बन रहा है ना। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट, यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताइए, नेम द फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रोस अधेनम जिसके हो जाते हैं अध्यक्ष का नाम, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की, अगर हम बात कर रहे हैं 1948 में स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, ठीक। उषा बोल रही है सर धीरे धीरे बढ़िए, नोट्स बनानी पड़ रही है, यहां पर स्पीड तो हमें थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी स्नेहा जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, कई सारे बच्चे बस ये करते हैं कि यहां पर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, राइट। नोट्स बनाने के लिए आप दो काम कर सकते हो, जितना आप अभी लिख पा रहे हो आप जल्दी जल्दी लिख लो, दूसरा काम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और तीसरा सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जो आप नोट्स बना रहे हो लेकिन इसको मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी पर जब आपका एग्जाम होगा तो यही नोट्स आपके काम में आएगी, ठीक। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, आप बोलोगे माइकल रायन होगा इसका उत्तर, सौम्या स्वामीनाथन, हर्षवर्धन या जुस्जा जकब क्या होने वाला है इसका आंसर, 12 का डी, बहुत बढ़िया, शिव छाया अभिनंदन, निदीन महाकाल, निशि, जबरदस्त, ऑप्शन नंबर डी सौम्या स्वामीनाथन, राइट। नेक्स्ट, MS स्वामीनाथन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं किया गया है यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है।
Which of the following awards was not awarded to M.S. Swaminathan? Padma Vibhushan से इनको सम्मानित नहीं किया गया था, या इनको रेमन मैग्सेसे से सम्मानित नहीं किया गया था, या भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, या विश्व खाद्य पुरस्कार से इनको सम्मानित नहीं किया गया था? ठीक, मधुबाला, पुष्पा, अखिलेश, सर टेस्ट नहीं मिला है, अखिलेश बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, शायद वेबसाइट में नहीं मिला है, आप चेक करिएगा एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके। मेरी उम्मीद है कि एप्लीकेशन में तो है, क्योंकि मैंने खुद उसको देखा है, मैंने खुद उसको सॉल्व किया है ना। बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा इसका? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सही लिख रहे हैं। भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अभी तक इनको प्रदान नहीं किया गया है। कोई नहीं, पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, रेमन मैग्सेसे से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, इसके अलावा यहां पर सम्मानित किया जा चुका है विश्व खाद्य पुरस्कार से भी इनको। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे इनको, लगभग आप 50 से 60 के आसपास इनको प्रदान किए जा चुके हैं पुरस्कार। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है ना। इसके अलावा इनको यहां पर सम्मानित किया जा चुका है, किससे आप बोलेंगे, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसके अलावा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसके अलावा रेमन मैग्सेसे से भी सम्मानित किया जा चुका है, विश्व खाद्य पुरस्कार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है 1986 में, और टाइटलर इन्वायरमेंटल उपलब्धि अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है 1991 में। ठीक है, तो कौन सा सब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? दो में आपको अच्छे से मार्क रखना है। कौन कौन से हो जाएंगे दो? कौन कौन से हो जाएंगे दो? रुकिए एक मिनट, मैं बताता हूं कौन कौन से हो जाएंगे दो आपके सामने। तो उनके नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। पहला हो जाएगा पद्म विभूषण का नाम, बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद रखना है, ईयर के साथ याद रखना है। दूसरा वर्ल्ड फूड प्राइज, ये भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये दोनों हमें मिल गया है, अखिलेश जी बोल रहे हैं टेस्ट, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट, अब देखिए, अभी अभी ये तो हमने पढ़ लिया यहां पर एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में, उनसे जुड़े हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए, उनकी पुत्री से जुड़े हुए जितने भी आसपास के सवाल आ सकते हैं सारे हमने देखे। तनु ने तो अपना आंसर ही बताया है 11 out of 13, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मतलब तैयारी शानदार है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि जो दो क्वेश्चन भी आपके इस बार गलत हुए हैं, अगली बार जब मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा तो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, है ना। यही मैं आशा करता हूं, यही उम्मीद करता हूं। अब देखिए यहां पर क्या बात की जा रही है, भूकंप आने पर गूगल देगा अलर्ट, यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, जब भी कोई आपदा आती है तो हमें बहुत ही लेट मालूम पड़ पाता है, लेकिन हमारे जो सिस्टम है जिनसे पता चल पाता है, जैसे सिस्मोग्राफ हो गया, है ना, तो इन चीजों से पता चल जाता है कि कैसे आने वाला है भूकंप, उनको जल्दी पता चल जाता है। तो सबको एक साथ सूचित करने के लिए गूगल बाबा तो आप सबके फोन में है ना, सबके फोन में होंगे। अब गूगल बाबा, तो अगर गूगल बाबा ने ऐसा कर दिया तो मतलब अगर एक जगह भूकंप आया है तो सबको एक साथ पता चल जाएगा, जल्दी से पता चल जाएगा, और सब अपनी जान बचा सकते हैं। यहां पर अंजलि ने भी अपना उत्तर लिखा है, 12 सही रहे हैं, शानदार। महाकाल ने भी बोला है 12 सही रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइएगा, और आप देखेंगे इस क्लास का इतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां पर इतने सारे पीवाई की हम सॉल्व करते हैं। आप जब एग्जाम में जाइएगा तो आपको लगेगा, अरे सर यहां पर तो इतने सारे इजी इजी क्वेश्चन आए थे, आपने तो क्लास में ही इससे बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कराए थे, है ना। ठीक, आइए, तो यहां पर मुख्य रूप से आपको दो बातें याद रखनी है, भूकंप की जानकारी देने वाला है पहले से ही, आपको अलर्ट देने वाला है। कौन देने वाला है? तो आप बोलेंगे गूगल बाबा देने वाले हैं। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है कि आपको बचने के लिए क्या करना है, तो आपको थोड़ा बैठ जाना है, किसी ना किसी कवर का यूज ले लेना है, किसी ना किसी चीज को टाइट से पकड़ लेना है, इस प्रकार से ये आपको बताने वाला है। ठीक, कौन कर रहा है? गूगल बाबा कर रहे हैं। अब देखिए सवाल किस प्रकार से आएगा,
किस कंपनी के द्वारा भूकंप आने पर चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की गई है? विच कंपनी हैज स्टार्टेड द वार्निंग सिस्टम इन केस ऑफ अर्थक्वेक? माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या एप्पल? एप्पल देखकर भाई साहब अब मुझे फिर से ब्रेकफास्ट करने का मन पड़ रहा है ना। कोई नहीं, ट्विटर। अब यहां पर ट्विटर नाम कोई गलत नहीं बोलेगा कि सर यहां पर तो मीडिया एक्स आना चाहिए, ट्विटर का तो नाम ही बदल चुका है ना। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है। गूगल इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक, गूगल इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हमने देखा है, अभी अभी पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में अभी अभी इंफोसिस जो भारतीय कंपनी हो जाती है, इंफोसिस जो भारतीय कंपनी हो जाती है, उसने हाथ मिला है यहां पर एआई के क्षेत्र में काम करने के लिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए। इसके अलावा ट्विटर की हमने बात की थी तो मीडिया एक्स इसका नाम रख दिया गया है, और लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो इसकी सीईओ हो गई है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गई है। इसके अलावा ये 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसको एलन मस्क ने खरीद लिया है, मतलब ये हो गए हैं इसके वर्तमान में मालिक। ठीक, एप्पल के बारे में भी तो सबको पता ही है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। लिंडा याकारिनो हनुमान लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंजलि ने भी लिखा है मीडिया एक्स, राइट। हर्षित ने भी लिखा है लिंडा याकारिनो, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं आगे आपके बारे में क्या जानकारी बोली जा रही है। यहां पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है 2024 की। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट है और 2024 के यहां पर आप देखेंगे द टाइम्स हायर एजुकेशन, THS THE यहां पर लिखा हुआ है। आप देखेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कुल मिलाकर आपको यह याद रखना है। ठीक, आइए आगे देखते हैं इस रैंकिंग में क्या क्या बोला गया है। इस रैंकिंग में अगर हम बात करते हैं तो पूरे विश्व के यूनिवर्सिटियों को रैंक किया गया है, जिसमें से भारत में आप बात करेंगे तो जो बेंगलुरु वाला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो टॉप पर हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा अन्ना यूनिवर्सिटी, यह भी आपको दूसरे स्थान पर देखने के लिए मिलेगा, 501 से 600 रैंक के बीच में है। लेकिन भारत में सबसे ऊपर कौन सा है? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दूसरे नंबर पर कौन सा है भारत में? अन्ना यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु की यह हो जाती है। पूरे विश्व में कौन है ये, आइए हम देखते हैं MCQ के माध्यम से। अरे यहां पर तो लिखा भी हुआ है, कोई नहीं, आपको एक बार यहां पर मैं पढ़ के बता देता हूं ताकि आप MCQ भी अच्छे से सॉल्व कर पाए। सबसे पहले नंबर पर कौन है? ऑक्सफोर्ड। देखिए वन नंबर क्या है, वन नंबर लिखा जाता है ऐसे, ऑक्सफोर्ड लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, ओ से ऑक्सफोर्ड, ओ से वन, ओ से ऑक्सफोर्ड, ओ से वन, ओ से ऑक्सफोर्ड, ओ से वन। दूसरे नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट की हो जाती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स की हो जाती है। थर्ड नंबर पर कौन सी है, आप बोलोगे थर्ड नंबर पर हो जाती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके यूनाइटेड किंगडम की हो जाती है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके यूनाइटेड किंगडम की हो जाती है। ठीक, सूरज जी आ रहे हैं और यहां पर इमोजी कर रहे हैं जैसे अभी अभी सो कर जगे हैं। अरे सूरज जी, आपको तो नाम में ही सूरज है ना, आपको तो सुबह 8 बजे किसी भी तरीके से आ जाना चाहिए। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास जो भी जग रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको तो आपको जगाने का काम करना चाहिए, है ना, कि भाई जगो। अरे आला रे आला, शिवम सर आला, जल्दी से अपना फोन तो उठा लीजिए, यहां पर क्लास लगा लीजिए, शिवम सर आ चुके हैं। ठीक है, आइए, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकती हो रिद्धु जी, वो सेफ है, यहां पर कोई इंफॉर्मेशन लीकेज वाला कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपकी प्राइवेसी जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, वो सेफ रहेगी। ठीक, टॉप रैंक्ड इन इंडिया, सबसे भारत में सबसे शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन हो जाती है, आप बोलोगे IISc बेंगलुरु हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए सवाल किस प्रकार से आएगा। Which university has been ranked at the top according to the Times Higher Education THE
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। टाइम्स हायर एजुकेशन टीएचई ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार, इसमें 2024 के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है। क्या ऑक्सफोर्ड है, या यहां पर हार्वर्ड है, या यहां पर कैम्ब्रिज है, या यहां पर आईआईएससी बेंगलुरु है? उत्तर क्या होने वाला है? अच्छा तो लग रहा है ना पढ़ने में, ऐसा तो नहीं लगता है कि सर सुबह सुबह क्या आ जाते हो, अपनी क्लास को 11 बजे रख दो, सुबह सुबह पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये करंट अफेयर है बाबू। यहां पर आपको जितना जल्दी जगोगे उतना अच्छा होगा, और जितना जल्दी जगोगे, जितना जल्दी पढ़ना शुरू करोगे, आपको भी पता है आप उतना ही ज्यादा दूसरे से आगे निकलोगे। जितना समय आपने वेस्ट किया है, एक मिनट भी अगर आपने वेस्ट किया है, और उसी मिनट को अगर आपके सामने वाले आपके कॉम्पिटिटर ने पढ़ा है, तो आप उतना ही ज्यादा पीछे जा रहे हो। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके आप पढ़िए, जगिए, उठिए, पढ़िए, है ना। ऐसा भी नहीं है कि सर 4 बजे हम जगेंगे तो क्या टॉप मार ही देंगे, नहीं। अगर आप रात में देर तक पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ना जरूरी है, दिन में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ पढ़ना जरूरी है मन लगाकर, ठीक। सूरज बोल रहे हैं लेट हो गया गुरुजी, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े देश छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बस पढ़ाई से ध्यान नहीं हटना चाहिए और लेट होना आदत नहीं बननी चाहिए। इसका आंसर क्या आने वाला है, हमने देखा है शीर्ष पर बात की गई है और पूरे विश्व वाले यूनिवर्सिटीज की बात की गई है, तो वन से वन था, वन से ऑक्सफोर्ड है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक। दूसरे नंबर पर आपको हार्वर्ड देखने के लिए मिलेगा, तीसरे नंबर पर आपको कैम्ब्रिज देखने के लिए मिलने वाला है, बोलो हाँ, ठीक। आइए नेक्स्ट, अब यहां पर बात की जा रही है, एक और रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग को बोला जाता है नवाचार रैंकिंग। कौन सी रैंकिंग? नवाचार, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप बोलोगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विपो के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनेवा में देखने के लिए मिलता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिलता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का जारी किया गया है इस बार। कब का जारी किया गया है? 2023 का जारी किया गया है इस बार। अब आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि आप देखेंगे कि यहां पर भारत की रैंक इस बार कितनी है, पिछली बार भी मतलब 2022 में भी इतनी थी, 2023 में भी इतनी ही है, 40वीं रैंक हो जाती है, 40 नंबर पर हो जाता है आउट ऑफ 132 कंट्रीज, आउट ऑफ 132 कंट्रीज, आउट ऑफ 132 कंट्रीज। पहले नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, आप बोलोगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड हो जाता है पहले स्थान पर, ठीक। कौन हो जाता है, आप बोलोगे स्विट्जरलैंड हो जाता है पहले स्थान पर, ठीक है, बढ़िया, हाँ या ना। सर 8 बजे से शुरू होती है क्लास, बिल्कुल अखिलेश जी 8 बजे शुरू होती है, वैसे आपने मुझसे पूछा है या किसी और बच्चे को ये इंफॉर्मेशन दी है? बिल्कुल विवेक जी ने पूछा है कितने बजे से ये क्लास शुरू होती है, 8 बजे शुरू होती है, जहां पर पहले ही हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी देख चुके हैं आज, है ना। आप देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। वर्ल्ड यहां पर लिखा हुआ है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यहां पर एक आंसर भी है आपके सामने कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप बोलोगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, 2023 वाला अभी जारी किया गया है। भारत का स्थान कौन सा रहा था यह आपको बताना है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GGI, आपको बताना है उत्तर क्या होने वाला है इस सवाल का, ठीक, जो कि जारी किया जाता है यहां पर विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उत्तर क्या होगा, 40 होगा, 40, बहुत बढ़िया, जबरदस्त,
40 होने वाला है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट ये देखिए, इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत ही शानदार अब इसका प्रदर्शन हो रहा है इस समय। एशिया कप में भी आपने देखा होगा श्रीलंका को फाइनल में जमभर के धोया गया था, है ना। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है तो इतना खतरनाक मारा जा रहा है कि क्या बताऊं, लग रहा है कि भाई साहब फाइनल तो हम जीतने ही वाले हैं, है ना। किसका? वर्ल्ड कप का। और उसकी टीम भी यहां पर रिलीज कर दी गई है, बता दी गई है कि टीम क्या होने वाली है। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। कैप्टन कौन होने वाले हैं? द हिटमैन रोहित शर्मा यहां पर आपको कैप्टन के रूप में देखने के लिए मिलने वाले हैं, कप्तान के रूप में देखने के लिए मिलने वाले हैं। पीडीएफ कहां मिलेगी? सूरज जी पूछ रहे हैं, जल्दी से इस सवाल का सभी बच्चे आंसर दे दो, बता दो कहां पर मिलने वाली है पीडीएफ सूरज जी को, क्योंकि सूरज जी थोड़ा लेट आए हैं तो उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है। अखंड प्रताप सिंह बोल रहे हैं, जी सर ओके। Who is the captain of the Indian cricket team for the 2023 ICC Men's Cricket World Cup? ICC Men's Cricket World Cup कहां पर होने वाला है? आप बोलोगे इंडिया पर होने वाला है 2023 में, है ना। इसी साल फाइनल कहां खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम मोटेरा था, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो होता है वहीं पर इसका आयोजन होने वाला है फाइनल मैच का, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। और यहां पर कप्तान का नाम पूछा जा रहा है तो आप बोलोगे क्या हम लगा दें महेंद्र सिंह धोनी भाई साहब होगा इसका उत्तर, है ना, हाँ या ना? अरे नहीं यार, महेंद्र सिंह धोनी लगा देते हैं, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, है तुम लोग गलत बोलते हो। अरे सब डी बोल रहे भाई साहब, सब लोग डी बोल रहे तो ठीक है, मैं भी मान लेता हूं कि आप लोगों ने सही ही बोला है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा पे आप देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, इनके नाम पर यहां पर आपको हिट देखने के लिए मिल रहा है, तो इससे क्या बन जाता है? आप बोलोगे इससे बन जाता है हिट मैन, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है हिट मैन किसको बोला जाता है, रोहित शर्मा जी को बोला जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट, आपको पता होगा इंडिया ने दो बार वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, एक 1983 में जीता हुआ है और एक 2011 में जीता हुआ है। 1983 में हमारे कपिल देव जी कैप्टन हुआ करते थे, कपिल देव जी कैप्टन हुआ करते थे, और 2011 में एमएस धोनी कैप्टन है, एमएस धोनी कैप्टन है, कप्तान है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, सीएम यहां पर कहां के सीएम हो जाते हैं, इनका नाम क्या हो जाता है आपको बताना है, ठीक है। यहां पर नाम शायद नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है नहीं लिखा हुआ है, इसी बहाने आपको नाम भी सीखने के लिए मिलेगा, ठीक। सीएम कहां के हो जाते हैं आपको बताना है, नाम क्या है आपको बताना है। त्रिपुरा की कैबिनेट के सभी कार्यों को पूरी तरह से कागज रहित बनाने के लिए ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू किया है इन्होंने, ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू किया है इन्होंने, और ऐसा करने वाला इनका चौथा फोर्थ स्टेट बन चुका है। इनका नाम क्या हो जाएगा? आप बोलोगे माणिक साहा हो जाएगा इनका नाम, माणिक साहा हो जाएगा इनका नाम, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। ई कैबिनेट क्या होती है? ई कैबिनेट आप देख रहे हो यहां पर ई होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। अभी अभी हमने देखा था एक और चीज, नेवा है ना, यहां पर इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, है ना, ई विधान एप्लीकेशन, है ना, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन था। यहां पर भी विधानसभा को, है ना, पूरी विधानसभा को इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है, मतलब कागज रहित बना दिया गया था, और यहां पर कैबिनेट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की, कागज रहित बनाए जाने की बात कही गई है, ठीक ठीक है। छाया बोल रहे हैं त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर यह भी हमने देख लिया, अब आपको बताना है त्रिपुरा की ई कैबिनेट। अरे क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा आ गया, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 15 गया था, यहां पर क्वेश्चन नंबर ये 16 होगा, कोई नहीं आपको मार्क कर लेना है, इस तरह मैं प्लस वन करके लिख देता हूं, ठीक। त्रिपुरा हैज बिकम विच स्टेट टू इंप्लीमेंट द ई कैबिनेट सिस्टम, त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला किस क्रमांक का राज्य बन गया है, पहला दूसरा तीसरा या चौथा, उत्तर क्या होने वाला है जल्दी से बताइए। देखिए यहां पर आपके सामने कई और राज्यों के नाम हैं, जैसे पहले नंबर पर आपको उत्तराखंड देखने के लिए मिल रहा है, दूसरे नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिल रहा है, तीसरे नंबर पर आपको अरुणाचल प्रदेश देखने के लिए मिल रहा है,
ठीक है, ये तीन राज्य हो जाते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ई कैबिनेट को लागू किया हुआ है, बोलो। हाँ ठीक, कौन कौन? उत्तर उत्तर प्रदेश से ही तो अलग होकर सन 2000 में बना था उत्तराखंड, है ना, याद आ रहा है ना सभी को? बिल्कुल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सबके सामने आपको तीन देखने के मिल रहा है, हाँ या ना? तीन, देखो एक हो गया इस तरह बना हुआ है, तीन बार मैंने तीन बना दिया, देखो एक बार हो गया उत्तराखंड, एक बार हो गया उत्तर प्रदेश, देखो कितना मैंने यहां पर अपनी एनर्जी बचा ली, है ना, चाहता तो मेरे को इस तरह लिखना पड़ता उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लेकिन यहां पर मैंने अपनी एनर्जी बचा ली और ऊ प्र लिख दिया, है ना, देखो कितना शानदार है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इस तरह बना ही हुआ है और यहां पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी ये किया जा चुका है। अब यहां पर त्रिपुरा पर भी कर दिया गया है, त्रिपुरा पर भी कर दिया गया है, देखो इसके नाम पर तो थ्री है, थ्री मतलब तो सर थर्ड नंबर कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन बोलना सर फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक, बढ़िया, जबरदस्त, हाँ या ना, आगे बढ़े। काजल बोल रही है गलत हो गया, कोई नहीं काजल, चलता है। अब देखिए यहां पर कुछ जानकारी है आपके लिए, जैसे माणिक साहा जी की तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये है माणिक साहा जी जो कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य ये कौन हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की राजधानी हो जाती है अगरतला। लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो लोकेशन भी मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा हमारा प्यारा भारत देश, ये रहा हमारा प्यारा भारत देश, आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर आपको कुछ त्रिपुरा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये आपको त्रिपुरा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक, ये ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा त्रिपुरा, ठीक है, बहुत जबरदस्त। राइट, आगे बढ़ें, जबरदस्त। आइए अब देखिए, आपने अगर हैरी पॉटर देखी है तो एक व्यक्ति को आपने जरूर देखा होगा यहां पर, जिनकी तस्वीर देखने के लिए मिल रही है, यहां पर हैरी पॉटर का भी यह दृश्य है, इनका नाम हो गया है माइकल गैबॉन, माइकल गैबॉन इनका नाम होता है, इनका हाल ही में निधन हो गया है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइकल गैबॉन एक एक्टर है, हैरी पॉटर मूवी पर आपने इनको देखा है, इनका निधन हो गया है। माइकल गैबॉन एक्टर, माइकल गैबॉन एक्टर, ठीक, इस तरह आपको याद रखना है। तस्वीर देखते रहिएगा, क्योंकि तस्वीर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, याद भी होगा तो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, रटोगे आप तो बहुत जल्दी भूल जाएगा, है ना। सर हमें बहुत बड़ा दिख रहा है त्रिपुरा, अच्छा जी, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही रहना चाहिए, आपको तो मन की आंखों से अब देखना चाहिए, है ना, क्योंकि इतनी बार तो हम पूरे भारत के दर्शन कर चुके हैं, पूरी पृथ्वी के दर्शन कर चुके हैं, आते ही मैं आपको सबसे पहले एक बार पूरी दुनिया घुमा कर ले आता हूं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, तो किसी भी जगह का अगर मैं नाम लूं, जैसे आपके सामने अगर मैंने अरुणाचल प्रदेश बोला तो तुरंत से आपके दिमाग में अरुणाचल प्रदेश की फोटो आ जानी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इनकी फोटो आ जानी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है उसका नाम आ जाना चाहिए, वहां पर हमने डोनी पोलो एयरपोर्ट देखा था उसकी तस्वीर आ जानी चाहिए, है ना। अब आइए यहां पर एक और जानकारी है आपके सामने, ये देखिए अटलांटिक में तैनात मिशन, और यहां पर आपको भारत का एक जहाज देखने के लिए मिल रहा है जो कि शामिल हुआ है, इस जहाज का नाम क्या हो जाता है, आप बोलोगे इस जहाज का नाम हो जाता है INS सुमेधा, INS सुमेधा इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, INS सुमेधा इसका नाम हो जाता है, INS सुमेधा इसका नाम हो जाता है, और आप देखोगे कि ये मोरक्को की शिप जो होती है, नेवल, रॉयल नेवल शिप, मतलब मोरक्को देश के साथ एक साझा यहां पर एक्सरसाइज कर रहा है, कुल मिलाकर मैरीटाइम कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है, ठीक, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है, समुद्री साझेदारी की बात की जा रही है, डायरेक्ट आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि मोरक्को के साथ जो समुद्री साझेदारी के लिए अभ्यास हो रहा है तो बता दीजिए कौन सा भारतीय शिप उस पर शामिल हुआ है, आपको लिखना रहेगा INS सुमेधा, क्या लिखना रहेगा, INS सुमेधा आप लिखोगे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, INS सुमेधा इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर आपको पता है कि नेवी डे जल्दी ही आने वाला है, ठीक,
कौन सा डे? नेवी डे नहीं, एयरफोर्स डे। आपको पता है हम तीन डे बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। यहां पर लिखने की जगह है, चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा। 15 जनवरी की अगर बात करते हैं तो आपको पता है इस दिन हम आर्मी डे मनाते हैं, आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नेवी डे मनाते हैं कब? नेवी डे हम मनाते हैं 4th of December को, 4th of December को, ठीक। इसके अलावा यहां पर एयरफोर्स डे हम मनाते हैं, एयरफोर्स डे हम मनाते हैं कब? आप बोलोगे एयरफोर्स मतलब वायुसेना दिवस हम कब मनाते हैं, तो आप बोलोगे ये हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, 8th of October, 8th of October को। और उसी की तैयारी यहां पर चल रही है, फुल ड्रेस रिहर्सल यहां पर चल रही है। आप देख सकते हो भोपाल में इसका आयोजन किया गया है, फुल ड्रेस रिहर्सल का, ठीक। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। कहां किया गया? आप बोलोगे भोपाल में किया गया है सर, ठीक। भोपाल में भी कहां? भोपाल में भोजताल नाम की एक झील हो जाती है, ठीक। 8 अक्टूबर 2023 की तैयारी की जा रही है, ठीक। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार से यहां पर पूरी एयरफोर्स आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एयरफोर्स का मोटो क्या? टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई आकाश को छुओ, विथ ग्लोरी सम्मान के साथ, एकदम भौकाल के साथ, ठीक। डीएसवाई भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आइए नेक्स्ट। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण सवाल। अब जल्दी जल्दी रैपिड स्टार्ट करते हैं हम अपना, है ना। रैपिड क्या होने वाला है? यहां पर रिवीजन होने वाला है, जो सवालों को हमने पहले देखा हुआ है आप कहीं भूल तो नहीं गए हैं, है ना। तो उसका यहां पर जल्दी से एक बार रैपिड रिवीजन होने वाला है। इसके बाद कल शनिवार है, कल सैटरडे है, वहां पर आपका पूरा वीकली रिवीजन होने वाला है। तो कोई भी बच्चे जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ी है क्लास या ध्यान से पढ़ी है क्लास, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ी है उनको कुछ पॉइंट भूल रहे हैं अगर, तो वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरे बच्चे जिन्होंने पूरा ध्यान से पढ़ा है उनको लग रहा है कि सर बस एक बार टेस्ट करा दो ताकि जो चीजें हमने पढ़ी हैं एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, तो वहां पर आपको टेस्ट भी मिलने वाला है। आइए देखते हैं सवाल यहां पर क्या क्या होने वाले हैं। स्पीड यहां पर हम थोड़ी ज्यादा रखते हैं अपनी, क्योंकि ये चीजें हम एक बार ऑलरेडी देख चुके हैं। बोलो हाँ, ठीक। कौन सी फिल्म अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर में अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? विच फिल्म विल रिप्रेजेंट इंडिया एज इट्स ऑफिशियल एंट्री एट द एकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड्स? उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होने वाला है 2018, ठीक। सर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो फीस डे भी होता था, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। आयुष्मान भारत, पीएम जय, जन आरोग्य योजना, ठीक है। क्या है पीएम जय? मतलब जन आरोग्य योजना। इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था यहां पर AB मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी था जिसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो यहां पर ये दोनों चीजों कारण मनाया गया था आरोग्य मंथन, आरोग्य मंथन मनाया गया था, आरोग्य मंथन मनाया गया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बताना है पीएम जय जन आरोग्य योजना का शुरुआत कब हुआ था, क्या होगा इसका सही उत्तर। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 2 का होने वाला है ऑप्शन नंबर, भीम प्रकाश का उत्तर बिल्कुल सही, शानदार, जबरदस्त। इसके अलावा शशिकांत का उत्तर भी बिल्कुल सही, 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में शीर्ष स्थान में कौन सा शहर रहा है? विच सिटी हैज टॉप्ड इन द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड? सूरत, इंदौर, आगरा, मुंबई पहले स्थान पर कौन है आपको बताना है। दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर आगरा हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? इंदौर होने वाला है। नेक्स्ट, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड? 22 मार्च, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसके अलावा 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। वर्ल्ड रेबीज, रेबीज पे आपको पानी से डर लगने लगेगा, ये कोई कुत्ता बंदर मतलब कोई जानवर आपको अगर काट ले जो कि पहले संक्रमित है तब आपको रेबीज हो जाएगा, और अगर आपको रेबीज हो गया तो बचने के चांस ना के बराबर है, ठीक। तो जैसे ही कुत्ता वगैरह काट ले तो तुरंत जाके इंजेक्शन लगवा लेना, है ना। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स
ऑन एप स्टोर टू एंड गूगल्स मोनोपोली, गूगल की मोनोपोली को समाप्त करने के लिए किस कंपनी ने यहां पर अपना खुद का एप स्टोर लॉन्च किया जिसका नाम है इंडस। ठीक, क्या हो जाएगा नाम? क्या मेटा द्वारा जारी किया गया है, क्या मीडिया एक्स मतलब ट्विटर, क्या फोन पे या रिलायंस? होने वाला है इसका बिल्कुल सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का उत्तर गोविंद कर रहे हैं, फोन पे। बहुत बढ़िया, फोन पे इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हर्षित ने भी यही लिखा है, जबरदस्त। अखिलेश जी यहाँ पर किसी और की फोटो भेज रहे हैं भाई साहब। अच्छा, रेबीज वाले डॉगी पेट की फोटो भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इंफोसिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इंफोसिस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या टेस्ला? आंसर क्या होने वाला है? हमने आते ही इस क्वेश्चन को किया था, माइक्रोसॉफ्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विगत तिमाही के आधार पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी है? ठीक है, मुद्रा के बारे में बात की जा रही है ना, मुद्रा के बारे में बात की जा रही है। बेस्ड ऑन द लेटेस्ट लास्ट क्वार्टर, विच इज द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी? बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी की बात की जा रही है, डॉलर, पाउंड, टका, अफगानी, उत्तर क्या होगा? कौन बताएगा? रीमा गोविंद, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहां पर जबरदस्त आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, अफगानी होने वाला है। नेक्स्ट, किस राज्य में अफस्पा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 6 months, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों होगा, बोथ ऑफ द अबव होने वाला है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड दोनों में। इसके अलावा ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, मैंने जो आज पढ़ाया है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में सब बच्चे को लिखना है डिटेल में उत्तर, और भी हाल ही में जो भी निधन हुए हैं आपको जितने भी याद हो 2023 के 2022 के सारे आपको लिखने हैं, कौन किस फील्ड से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और चीज आपको लिखनी है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था, यह भी आप सर्च करके मुझे बताएंगे। ठीक, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था, यह भी आपको सर्च करके बताना है। हर एक बच्चे के कमेंट में अच्छे से पढ़ता हूं, डिटेल में पढ़ता हूं, है ना, तो अच्छे से आपको उत्तर लिखने हैं। खिलाड़ी थे, राजनेता थे, अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, नाम है इनका माइकल गैबन। इनका संबंध किस क्षेत्र से हो जाता है ये आपको बताना है। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, खुद को, अपने परिवार को, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए। जय हिंद।